ठीक है, लास्ट लेक्चर में, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। लास्ट लेक्चर में हमने क्या किया था, कूलम्स लॉ पढ़ा था। ठीक है, कूलम्स लॉ हमें क्या बताता है, फोर्सेस के बारे में। अगर दो चार्ज पार्टिकल किसी डिस्टेंस पे रखे हुए हैं तो आपस में वो कितना फोर्स लगाएंगे, मतलब फोर्स का मैग्नीट्यूड बताते हैं हमें। ठीक है, अब जो हम करने जा रहे हैं कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, ये हमें क्या बताता है, मैग्नीट्यूड तो बताएगा ही बताएगा, फोर्स दो चार्ज पार्टिकल आपस में कितना फोर्स लगा रहे हैं उसका मैग्नीट्यूड तो हमें बताएगा बताएगा, प्लस उसके अलावा हमें डायरेक्शन भी बताएगा कि अगर दो चार्ज पार्टिकल है दोनों पे फोर्स लगा तो वो किस डायरेक्शन में मूव करेंगे। उसके लिए हम क्या करेंगे, कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। ठीक है, सबसे पहले हम कंसिडर करते हैं टू डायमेंशन प्लेन, एक्स एक्सिस जिसकी एक एक्स एक्सिस है दूसरी वाई एक्सिस है। ठीक है, इन दो एक्सिस पे मतलब इस प्लेन पे हमने दो चार्जेस को कंसिडर किया, प्लस क्यू वन एंड प्लस क्यू टू। ठीक है, ये टू डायमेंशनल स्पेस में पड़े हैं। सबसे पहले कोई भी अगर पार्टिकल टू डायमेंशनल स्पेस में हो तो उसके हम पोजीशन डिफाइन करते हैं। तो पोजीशन डिफाइन किससे होगी, पोजीशन वेक्टर से। ठीक है, पोजीशन वेक्टर कहां से लेते हैं हम बेटा, ओरिजिन से। ठीक है, ये क्यू वन का पोजीशन वेक्टर हो गया आर वन, और ये क्यू टू का पोजीशन वेक्टर हो गया आर टू। ठीक है, उसके बाद टर्म आती है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या होता है बेटा, दो पार्टिकल के बीच में स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस बताता है। ठीक है, और उसकी डायरेक्शन कैसे मेजर करते हैं, जहां से आप स्टार्ट कर रहे हैं स्टार्टिंग पॉइंट से हम मेजर करते हैं। अगर आप Q1 से Q2 की तरफ चलते हो तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की डायरेक्शन होगी ये R12, मतलब क्या है 1 से 2 की तरफ। और अगर Q2 से Q1 की तरफ जा रहे हो तो उसकी डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगी R21। ठीक है, दोनों में से कोई भी डायरेक्शन कंसीडर कर लो, मगर एक डायरेक्शन कंसीडर करनी है आपने, चाहे R12 कंसीडर कर लो चाहे R21 कंसीडर कर लो। ठीक है, तो हम कंसीडर करते हैं R12। ठीक है, ये हमारा हो गया पोजीशन वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। R12 क्या है हमारा, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। अब दो चार्जेस सेम पोलैरिटी के पड़े हैं तो आपस में क्या लगाएंगे, फोर्स ऑफ रिपल्शन। ठीक है, दोनों पे फोर्स लगेगा, क्लियर बेटा। अब फोर्स की नंबरिंग कैसे देनी है, Q1 पे फोर्स लग रहा है Q2 के कारण, तो इसको मैं डिफाइन कर दूंगा F12, मतलब फोर्स ऑन फर्स्ट पार्टिकल ड्यू टू सेकंड पार्टिकल। ठीक है, अब Q2 पे फोर्स लग रहा है Q1 के कारण, तो इसको मैं डिफाइन करूंगा F21 से, मतलब फोर्स ऑन सेकंड पार्टिकल ड्यू टू फर्स्ट पार्टिकल। ठीक है, ये डायग्राम ध्यान से बनाना है बेटा। ठीक है, अब बात आती है यूनिट वेक्टर की। फोर्स का मैग्नीट्यूड तो हमें पता लग जाएगा, मैग्नीट्यूड से वेक्टर और मैग्नीट्यूड में क्या फर्क होता है, वेक्टर फॉर्म और मैग्नीट्यूड फॉर्म में। मैग्नीट्यूड में सिर्फ हमें डिजिट पता लगता है, वेक्टर फॉर्म हमें क्या बताता है बेटा, डायरेक्शन का। और डायरेक्शन हमें किससे पता लगेगी, जब हम मैग्नीट्यूड को किसी यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसके यूनिट वेक्टर डिफाइन करने पड़ेंगे। Q1 है तो इसका यूनिट वेक्टर क्या होगा, R12 यूनिट वेक्टर। और यूनिट वेक्टर की डायरेक्शन क्या होती है बेटा, हमेशा सेंटर की तरफ। दोनों डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के सेंटर की तरफ हमेशा यूनिट वेक्टर की डायरेक्शन होगी। ठीक है, और इधर से Q2 का यूनिट वेक्टर डिफाइन करेंगे R21, ये इसकी डायरेक्शन भी क्या होगी बेटा, सेंटर की तरफ। ठीक है, अब हम लिखने जा रहे हैं फोर्स, फर्स्ट पार्टिकल पे कितना फोर्स लगेगा F12। F12 पिछले कूलम्स लॉ में हमने बताया था मैग्नीट्यूड कितना होगा फोर्स का, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय R यूनिट वेक्टर क्या है बेटा इसका, हमेशा यूनिट वेक्टर वो देखते हैं नीचे जो आर के साथ हमने नंबरिंग करनी है, वो ये देखनी है कि फोर्स की डायरेक्शन में कौन सा यूनिट वेक्टर है। एफ की डायरेक्शन ये है बेटा, और इस डायरेक्शन में कौन सा यूनिट वेक्टर है, आर टू वन। ठीक है, तो इधर हम मल्टीप्लाई कर देंगे इसको वेक्टर फॉर्म बनाने के लिए आर टू वन यूनिट वेक्टर से, और नीचे भी लिखेंगे आर टू वन वेक्टर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। ठीक है, ये टर्म हमें देगी मैग्नीट्यूड और ये टर्म हमें देगी डायरेक्शन। ठीक है बेटा, अब इसको आगे फर्दर लिखेंगे F12 वन टू वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट R12। R यूनिट वेक्टर को हम कैसे खोलते हैं,
यूनिट वेक्टर क्या होता है, वेक्टर अपॉन में उसका मैग्नीट्यूड, ठीक है। तो आर टू वन वेक्टर अपॉन में आर टू वन वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ठीक है बेटा। अब आर टू वन का स्क्वायर, ये भी मैग्नीट्यूड है, ये भी मैग्नीट्यूड, आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या बन जाएगा, आर वन टू का टू वन का क्यूब, वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू वन क्यू टू अपॉन में आर टू वन वेक्टर के मैग्नीट्यूड का क्यूब इंटू आर टू वन वेक्टर, ठीक है बेटा।